नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 10 सीटों पर सिंगल नाम है, 3 सीटों पर दो नाम है और बाकी 13 सीटों पर चर्चा जारी है। सभी 26 विधानसभा उपचुनाव के लिए बंद कमरे में बैठकों का दौर चल रहा है। सुर्खी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का नाम भी सामने आया है। इस सीट से स्थानीय नेता भूपेंद्र सिंह मुहासा भी दावेदार है। इस बार विधानसभा उपचुनाव में दलित उत्पीड़न भी एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। गुना की घटना को लेकर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तो मुखर है ही, भाजपा इस मुद्दे को कांग्रेस की राजनीति बता रही है। ग्वालियर चंबल की राजनीति में दलित मुद्दा प्रमुख भूमिका निभा सकता है। कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराने और संक्रमण को फैलाने से रोकने के संबंध में विशेषज्ञों की समिति बनाने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की याचिका पर सिविल जज की अध्यक्षता वाली बेंच ने जवाब पेश करने सरकार को समय प्रदान किया। गोविंदपुरा स्थित बिजली कंपनी के कॉल सेंटर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं से की जा रही बातचीत के तरीकों को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भोपाल में आयोजित पहली अर्ध वर्चुअल मध्य प्रदेश यंग थिंकर मीट 2020 में शिरकत करते हुए कहा कि थिंकर फोरम में शामिल युवा नए विचारों के साथ उद्यम शुरू करें और लोगों को रोजगार दें। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह को संसद में दोबारा भाजपा संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। राकेश सिंह संजय जायसवाल की जगह लेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर और जबलपुर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, ग्वालियर, चंबल, शहडोल और भोपाल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर और शेष संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान थानों में सफेदपोश गुंडों के खिलाफ लिस्टिंग करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। भोपाल में नगर निगम चुनाव के लिए जमावट शुरू हो गई है। 28 जुलाई को वार्ड का आरक्षण होगा। पिछले अनारक्षित 50 वार्डों में से ओबीसी के 21 वार्ड तय होंगे। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने राज्य शासन को भेजी सिफारिश में कहा है कि धन के अभाव में किसी भी मरीज का इलाज न रुके, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। आयोग ने यह सिफारिश एक तस्वीर के वायरल होने के बाद की, जिसमें पैसे नहीं देने के कारण मरीज को अस्पताल में पलंग से बांध दिया गया था। नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी पत्रकार प्यारे मियां को जल्द सजा दिलाने के लिए एसआईटी केस को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाएगी। इस बीच प्यारे मियां की कॉल डिटेल्स में कई रईसों के नाम सामने आए हैं। वहीं इंदौर में 225 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोपी मीडिया माफिया किशोर वाधवानी के अखबार दबंग दुनिया का पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में स्मार्ट पार्किंग का संचालन करने वाली बेंगलुरु की माइंडटेक कंपनी ने नगर निगम से एक तरफा करार खत्म कर लिया है, जिसके चलते शहर के 58 में से लगभग 34 पार्किंग स्थलों पर पार्किंग भगवान भरोसे हो गई है। कुलास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 16 जुलाई को निगम कर्मी अविनाश सिंह की जगह जिस व्यक्ति का कोरोना सैंपल लिया गया था वह 5 दिन से लापता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में भोपाल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।